बर्बाद गुलिस्ता करने को जब ये कहे उल्लू काफी है, यहाँ तो हर साख पर उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्ता। कभी क्षेत्र में दर्शन दिए ही नहीं, वो सारा काम ऑनलाइन करते हैं, इवन खाना भी ऑनलाइन खाते हैं। मतलब वो ऑनलाइन के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति क्षेत्र को कभी ऑफलाइन के दृष्टिकोण से देखा ही नहीं। अरे उनका तो बस चले ब्रह्मा जी को भी नकार देंगे, वो भी ऑनलाइन करना, सृष्टि को भी ऑनलाइन करना शुरू कर। उनके कार्यकर्ता रात दिन दलाली करने में मशगूल रहते हैं, कौन रंगा सियार मेरे बीच में आ रहा है, इन रंगा सियार को पहचान चुकी है यहाँ की जनता, अब दोबारा कभी झांसे में नहीं आने। बीजेपी का इतिहास रहा है 1990 को अगर छोड़ दें, 163 वोट से जीतने की अगर बात को छोड़ दें, तो 1990 के बाद बीजेपी ने कभी खाता खोलने का काम नहीं किया है। अधिकारियों पर जब तक नकेल नहीं कसा जाएगा, जब तक जीरो टॉलरेंस की ओर सरकार का ध्यान नहीं आकृष्ट होगा, तो हमको नहीं लगता है कि कोई समस्या समाधान होने के दिशा में आगे बढ़ेगा। सिंगल विंडो सिस्टम को दुरुस्त करे, और सिंगल विंडो सिस्टम को जब दुरुस्त करेगा, एक ही छत के नीचे सारे काम जब शुरू हो जाएंगे, तो जनता को परेशानी कम होगा। बताने डेम के नाम पर राजनीति होता है। नमस्कार, मैं प्रशांत, और आप देखना शुरू कर चुके हैं तेज टीवी। देखिए, झारखंड में विधानसभा चुनाव ठन चुका है और हमारी टीम चुनावी यात्रा पर है। इस दरमियान हम पहुंचे हैं झारखंड के पलामू जिले के हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के हरिहरगंज इलाके में। हमारी मौजूदगी है यहाँ पर, और यहाँ से आपको बता दें कि यहाँ का जो इतिहास रहा है, यहाँ पर एनसीपी की मजबूती दिखी है, यहाँ पर बीएसपी की मजबूती दिखी है, और भी यहाँ पर जो पार्टियां हैं वो मजबूती से रही है। और हमारे साथ एक कैंडिडेट है, बीएसपी से कैंडिडेट है, कुशवाहा से पूजन मेहता जी। इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इस बार जो तैयारी है वो कैसी है, क्या कुछ प्लान किए हैं सर। देखिए, तैयारी तो हमारे कार्यकर्ता लोग करते हैं, मजबूती से तैयारी है। किसी भी प्रत्याशी को मुकाबला हमेशा रहता है, और 2014 में सारे प्रत्याशी को मैंने जमाना जब्त कराया था, इस बार भी वैसा ही तैयारी है। कल के जो नामांकन का आगाज है, जबकि हम क्षेत्र में मौजूद नहीं थे, रांची में सिंबल के लिए रहे, फिर घर पे आए, तो उसको औपचारिकता जो होता है, कागजी प्रक्रिया पूरा करने में अपना पूरा समय लगा। कल हम 1:30 बजे अपने विधानसभा क्षेत्र में आए, लेकिन जो लोगों का उत्साह, कार्यकर्ताओं का जो मनोबल और मेहनत कल देखने को मिला, तो इससे स्पष्ट तौर पर जाहिर होता है कि हुसैनाबाद इस बार सारे जो डबरसंखी लोग हैं, जो क्षेत्र को लूटे हैं, क्षेत्र में लोगों के साथ धोखा दिया है, उनको इस बार सबक सिखाने की जनता ठान चुकी है, और हम लोगों का तैयारी व्यापक है। यहाँ से एनसीपी जीती थी पिछली बार, और उसके बाद अब वो कैंडिडेट बीजेपी के साथ हैं। क्या लगता है उनकी कौन सी गलतियां हैं जो यहाँ की जनता को आपकी तरफ लेके आए? उनको अगर एकाध गलती रहे तब तो गिनाए। और सुने ना, बर्बाद गुलिस्ता करने को जब ये कहे उल्लू काफी है, यहाँ तो हर साख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। एक गलती रहे तो गिना दे। पहले तो जब से जनता ने इनको मैंडेट दिया, प्रतिनिधि बने, कभी क्षेत्र में दर्शन दिए ही नहीं, और सारा काम ऑनलाइन करते हैं, इवन खाना भी ऑनलाइन खाते हैं, शिलान्यास करना हो ऑनलाइन, किसी को मैयत में संवेदना व्यक्त करना हो ऑनलाइन, पूजा पाठ में भाग लेना हो ऑनलाइन, आपको किसी के यहाँ शादी समारोह में भाग लेना है ऑनलाइन, उद्घाटन समारोह में भाग लेना है ऑनलाइन, मतलब वो ऑनलाइन के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति क्षेत्र को कभी ऑफलाइन के दृष्टिकोण से देखा ही नहीं। दूसरी बात यह है कि जनता अपना प्रतिनिधि को चुनती है कि हमारे समस्याओं को समाधान के लिए तत्परता से विधानसभा के पटल पे और क्षेत्रों में रह करके प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनको न्याय दिलाने का काम करे, लेकिन ये तमाम काम यहाँ की जनता बोलेगी। उनके जो बातों पर आप जब जाएंगे, तो जनता के समस्याओं से जब आप रूबरू होना शुरू करेंगे, तो जनता बताएगी कि हमारे प्रतिनिधि कैसे हैं। हाँ, उनके साथ दलाल किस्म के लोग घूमते हैं, जो क्षेत्र को लूटते हैं, जो क्षेत्र में जनता को शोषण करते हैं, जो क्षेत्र में जनता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, वे लोगों की फौज उनके साथ घूम रहा है। और आप जानते हैं कि दुनिया जो है मौका प्रस्त है, कुछ वैसे लोग इस महासागर में घूमते हैं जो उनके साथ हैं। आपने कहा कि कुछ गलत लोग उनके साथ हैं, क्या वो सही हैं? नहीं, देखिए, गलत लोग में से जो कार्यकर्ताओं का जिम्मेवारी होना चाहिए जनता को सहयोग करना, तो उनके कार्यकर्ता रात दिन दलाली करने में मशगूल रहते हैं। ब्लॉक में जाएंगे, थाना में जाएंगे, पंचायत में जाएंगे, मतलब सभी जगह पर वो बिना नजराना के कोई काम नहीं करवाते, ये पूरी जनता बोलती है। और सिपूजन मेहता का जब कार्यकाल था, और आज कार्यकाल नहीं भी है, तो हम किसी को अगर प्रशासनिक पदाधिकारी को कॉल करेंगे,
तो कभी हिम्मत नहीं जुटाएगा कि वो जो लाभुक है या जो भुक्त भोगी है उसे कोई नजराना वसूलने का वो हिम्मत नहीं जुटा सकता। इसका उदाहरण है, मैं लगातार क्षेत्रों में जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए प्रखंड स्तर पर जन समस्याओं को निदान करने के लिए जनता दरबार लगाया, पंचायत स्तर पर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का हमने भरपूर प्रयास किया है। पूरे 5 साल तक जनता के बीच में रहे, वो कोरोना काल में भी हम घर में नहीं रहते थे, लोगों के दुख दर्द को सुनने के लिए उनके दरवाजे तक जाते थे, खाद्यान्न सामग्री से लेकर के सैनिटाइजर और ये मास्क तो छोटी सी बात है, ब्लड ऑक्सीजन हॉस्पिटल में बेड ये तमाम चीज कुशवासी पूजन मेहता ने उपलब्ध कराया है, जिसका साक्ष मेरे पास है। और आज भी 5 वर्षों तक उन गरीब मजलूमों को मैंने इलाज कराने का काम किया है जिसके पास 1 रुपये नहीं होते हैं, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म संप्रदाय का हो, मैंने कोई भेदभाव नहीं किया। इसका हजारों उदाहरण मेरे पास है, अगर आप चलाना चाहेंगे तो 1,000 लोगों का फोटो हम भेज देंगे जिसको मैंने इलाज कराया है, पैसा मदद किया है, एम्बुलेंस दिलवाया है, कोरोना काल में ऑक्सीजन का व्यवस्था किया है, ये सभी का प्रमाण मेरे पास है। लेकिन इनके पास एक भी प्रमाण नहीं है सिवाय क्षेत्र को लूटने का। नमक तक जिसने बेच दिया, जिसने खाद्यान्न सामग्री बेच दिया, आप देहात में या गांव में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि नमक रोटी के जुगाड़ हो जाए, परमात्मा हमको नमक रोटी के जुगाड़ कर दे तो मेरा जीवन कट जाएगा। उस नमक रोटी पर भी जिसने डाका डालने का काम किया है वो जनता के समस्याओं का समाधान क्या करेगा? ये जाहिर सी बात है कि जनता उनको पूर्ण रूप से नकार चुकी है। और पार्टी बदल देने से कोई चुनाव नहीं जीतता है, बीजेपी का इतिहास रहा है। 1990 को अगर छोड़ दें, 163 वोट से जीतने की अगर बात को छोड़ दें तो 1990 के बाद बीजेपी ने कभी खाता खोलने का काम नहीं किया है। अवधेश कुमार सिंह सन 2000 में बिहार सरकार में तत्कालीन मंत्री रहा करते थे, स्वर्गीय अवधेश कुमार सिंह, वो लालटेन छाप से चुनाव में टिकट नहीं लेकर के भाग करके बीजेपी में गए कि हम सेफ जोन में जा रहे हैं। और बीजेपी में जब गए उनकी जमानत नहीं बची है। वो अवधेश कुमार सिंह भी कदावर नेता रहे हैं, ईमानदार नेता रहे हैं, कर्तव्यनिष्ठ नेता रहे हैं, जब उनकी जमानत नहीं बच पाई तो ये कौन गली के धूल है? उतना ही नहीं, इसके पहले विधायक हुआ करते थे दशरथ कुमार सिंह, उन्होंने जब दल बदल करके दामन थाम लिया तो उनको भी धूल चटा दिया। दल बदलू को यहाँ कोई स्थान नहीं मिलता है। अब ये सोचते हैं कि बीजेपी सेफ जोन है, बीजेपी के भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता समझते हैं कि कौन रंगा सियार मेरे बीच में आ रहा है। इन रंगा सियार को पहचान चुकी है यहाँ की जनता, अब दोबारा कभी झांसे में नहीं आने वाली है। आपने अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की बात की, लेकिन बीजेपी के जो लोग हैं वो दावा पेश करते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो स्कीमें हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या फिर डीबीटी हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो, इनसे हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उनका कोई पहुंच ही नहीं। देखिए, योजनाएं अगर बहुत महत्वपूर्ण योजना है और बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट अगर उसका नहीं हुआ तो जनता उसका लाभ नहीं ले पाती है। जैसे आज मैया समान योजना है जिसको ऑफलाइन अगर भरा जाए, वृद्धा पेंशन है जिसको ऑफलाइन भरा जाता है, विधवा पेंशन है जिसको ऑफलाइन भरा जाता है। अब डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो आप ट्रांसफर करते हैं, लेकिन जब उसको लाभ ही नहीं मिलेगा फिर ट्रांसफर की बात तो बाद में आती है ना। आप जब जाते हैं LPC बनाने अंचल कार्यालय में, आप कृषि बीमा का लाभ लेने के लिए या किसान जो सरकार का योजना है किसानों के लिए उसका लाभ लेने के लिए जब जाते हैं नो LPC बनाने, तो वहीं जब पैसा ऐंठ लेता है तो क्या वो अंतिम आदमी परेशान नहीं होता है क्या? आप जब सरकार की योजनाओं के अंदर जो पेचीदगी है इसको जब आप देखना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि एक एक व्यक्ति परेशान होता है और अधिकारी परेशान करते हैं। अधिकारियों पर जब तक नकेल नहीं कसा जाएगा, जब तक जीरो टॉलरेंस की ओर सरकार का ध्यान नहीं आकृष्ट होगा, तो हमको नहीं लगता है कि कोई समस्या समाधान होने के दिशा में आगे बढ़ेगा। हुसैनाबाद को अभी एक विधायक की तरफ से सबसे बड़ा किस प्रकार का मदद का जरूरत है, क्या चाहिए अभी हुसैनाबाद? देखिए, हुसैनाबाद में सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर का व्यवस्था कुछ दुरुस्त करना होगा, जीरो टॉलरेंस की ओर जनता सुखी महसूस करे कि मैं जब काम कराने गया अपने अंचल कार्यालय में, प्रखंड कार्यालय में, तो हमारा काम सुगमता से हो गया और यहाँ के जो प्रशासनिक महकमे हैं वो हमको परेशान नहीं कर रहे हैं। दूसरा चीज, यहाँ पर जो सिंचाई की सबसे जटिल व्यवस्था समस्या है, तो सबसे पहले सिंचाई के जटिल समस्या को समाधान करने के लिए सिंचाई की व्यवस्था करना होगा। उसके लिए गांव-गांव में सरकार जो योजना चला रही है अभी कि किसानों को हम सोलर पंप देकर के आच्छादित करेंगे, लेकिन आप सोचिए कि कितने किसानों को सोलर पंप से आच्छादित किया जा रहा है।
उसमें इतनी पेचीदगी है, उसको लेने के लिए जनता को पापड़ बेलना पड़ता है। अभी सरकार जो है कृषकों के सुगम खेती करने के लिए कृषक उपकरण मौजूद उपलब्ध करा रही है, लेकिन उसको लेने में कितना परेशानी है। तो इन तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए हमारे सरकार को ये व्यवस्था करना चाहिए कि सिंगल विंडो सिस्टम को दुरुस्त करे, और सिंगल विंडो सिस्टम को जब दुरुस्त करेगा, एक ही छत के नीचे सारे काम जब शुरू हो जाएंगे तो जनता को परेशानी कम होगा। दूसरा चीज है कि क्षेत्र में जो सिंचाई की समस्या है विकराल रूप लिए हुए है। बटाने डैम के नाम पर राजनीति होता है। बटाने डैम को दुरुस्त करने के लिए मैंने हाउस में आमरण अनशन तक किया, लेकिन उस समय की तत्कालीन सरकार इस पर बहुत ध्यान नहीं दी। उसके लिए मैंने काफी लड़ाई लड़ा, लेकिन उसके बाद 5 वर्षों तक जो हमारे वर्तमान प्रतिनिधि हैं, वो बटाने डैम के मुद्दे पर कितना आगे बढ़ पाए हैं, अपना अगर बायोडाटा, अपना अगर सारा चीज जनता में प्रस्तुत करें, तो हम समझ लेंगे कि कुछ लड़ाई इन्होंने लड़ा है। कोरोना काल में 2 साल तो बेचारे डूब के रहे, निकले ही नहीं घरों से, और जब घर से निकला ही नहीं तो काम क्या करेगा, निकले भी तो सीधे मुंबई में, यानी यह साबित करता है कोई इधर रहते नहीं थे, सीधे मुंबई रहते थे, सारा काम ऑनलाइन करते हैं। अरे उनका तो बस चले कि ब्रह्मा जी को भी नकार देंगे, वो भी ऑनलाइन करना, सृष्टि को भी ऑनलाइन करना शुरू कर देंगे। ये ऐसे हमारे क्षेत्र के जागृत प्रतिनिधि हैं। सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी आप किसे देखते हैं? बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी है, एनसीपी जिसका जनाधार यहाँ देखने को मिला, या फिर राजद जिसके मुखिया तेजस्वी खुद यहाँ पर हाथ में बांधे? बीजेपी या राजद, दोनों में से कोई मेरा प्रतिद्वंदी नहीं है। यहाँ की जनता भली भांति समझ चुकी है कि हम किसको अपना प्रतिनिधि बनाएंगे तो हमारा भला हो सकता है। आपको मैं अगर बात बताऊं तो ये दोनों 10 वर्षीय लोग हैं, और ये दोनों 10 वर्षीय लोगों ने अपने क्षेत्र में क्या उपलब्धि दिया है। एक 10 वर्षीय की बात मैं करूं जो भूत हो चुके हैं, भूत अगर 10 वर्षीय की बात मैं करूं तो उनको 10 वर्ष के कार्यकाल में बटाने नदी में एक भी पुल नहीं बना था, जिसे 4 पंचायत आवागमन से बाधित था। बरसात के दिनों में उनके बच्चे पढ़ने नहीं आते थे, बच्चों को मैंने ड्रॉपआउट की स्थिति से गुजरना पड़ता था, और एक 10 वर्षीय अभी 10 वर्ष पूरा किए, एक भी पुल नहीं बनाया, झूठ मूठ के शिलान्यास कर दिए। जो पुल अगर पास भी नहीं है, वो हमारे गांव के सामने नदी में पुल का शिलान्यास किए हैं, जो स्वीकृत ही नहीं है। ये वोट के दिनों में, तो वोट के दिनों में अगर गाड़ी में एक बोरा नारियल रख के और गाड़ी में पत्थर रख के और अगरबत्ती के पूरा पैकेट रख करके और जहां खाली रोड मिलेगा वहां पत्थर उतार कर नारियल पटक के और अगरबत्ती पहुंच देने से क्या जनता वोट दे देगी? जनता नहीं समझती है कि चुनाव के दिन में आप जो शिलान्यास इतना व्यापक पैमाने पर कर रहे हैं, जनता स्वीकृत योजनाओं को भी समझती है। तो अस्वीकृत योजनाओं को जिसने शिलान्यास किया है उसका नाम हमारा वर्तमान प्रतिनिधि है, और वो अभी रंग बदल करके चाहते हैं कि हम जनता के मैंडेट को ले लें, ये अब पॉसिबल नहीं है। चलिए, तो हम बातचीत कर रहे थे कुशवाहा सिंह पूजन मेहता जी से, इस बार हुसैनाबाद से ये ताल ठोक रहे हैं। साफ तौर पर इन्होंने बताया क्षेत्र की समस्या क्या है, जनता क्या चाहती है, और प्रतिद्वंदी कौन इनका है। आपने साफ तौर पर सुना, अपनी बातों को भी कमेंट सेक्शन में रखिए और जुड़े रहिए दर्जी के साथ। धन्यवाद।